राजधानी भोपाल में कर्मचारी कांग्रेस ने राज्य कर्मचारियों की 22 सूत्रीय मांगों को लेकर ध्यान आकर्षण दिवस मनाया। इस दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं ध्यान आकर्षण दिवस पर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला स्तर पर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपे। कर्मचारी कांग्रेस के बैनर तले भोपाल स्थित विंध्याचल भवन परिसर में कर्मचारी संगठनों ने एक सभा का भी आयोजन किया, जहां कर्मचारियों की मांगों को लेकर चर्चा की गई। कर्मचारी कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र कोमल का कहना है कि लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की वेतन विसंगति, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए सरकार ने अब तक कोई काम नहीं किया है। शिक्षकों को पदोन्नति पदनाम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही राज्य के अलग अलग वर्गों के कर्मचारियों की 22 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षण कर प्रदर्शन किया है। मांगों का जल्द निराकरण नहीं होता है तो प्रदेश के कर्मचारी आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। प्रदेश के सभी संवर्गों की 22 सूत्रीय मांगों को लेकर आज सरकार का ध्यानाकर्षण दिवस मनाने का निर्णय लिया है और इस निर्णय के तहत पूरे प्रदेश में कर्मचारी कांग्रेस के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करके कलेक्टर को ज्ञापन सौंप रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यानाकर्षण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ये पहला अवसर है जब प्रदेश के सभी वर्गों के कर्मचारी त्रस्त हैं, जहां एक ओर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को कांग्रेस सरकार ने जो 5% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया था उसको वापस ले लिया गया है। वापस ही नहीं ले लिया गया बल्कि 2021 तक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रदेश के 2.5 लाख संविदा कर्मचारी, 1,80,000 अतिथि शिक्षक, लगभग 90,000 अतिथि विद्वान आज नियमितीकरण से वंचित है। प्रदेश के 1 लाख कार्यभारित कर्मचारी, प्रदेश के 80,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी आज नियमितीकरण से वंचित है और इनकी जो अनार्थिक मांग है उनको भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। प्रदेश में अनेक संवर्ग ऐसे हैं जिनके नाम पदनाम परिवर्तित करना है, जिसके स्वीकार करने पर 1 रुपया भी सरकार के ऊपर भार नहीं आने वाला है। इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम अपने सहयोगी संगठनों के साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे सहयोगी संगठन के माननीय परसाई जी, वाजपेयी जी, वर्मा जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, बीडी गौतम जी, हमारे प्रांताध्यक्ष सुनील ठाकरे जी, महामंत्री हमारे हीरालाल चौकसी जी सहित सभी साथी उपस्थित हैं और सब ने एक मत से अभी बैठक में ये निर्णय लिया है कि प्रदेश के कर्मचारियों की जायज और लंबित मांगों का यदि शीघ्र समाधान नहीं किया जाएगा तो प्रदेश के कर्मचारियों सभी कर्मचारी संगठन एक होकर प्रदेशव्यापी आंदोलन और हड़ताल करेंगे। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना और निवेदन है कि वे कर्मचारियों की जायज मांगों का तत्काल समाधान करें, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों को आंदोलन और हड़ताल जैसे अप्रिय कदम उठाने के लिए विवश न होना पड़े। बहरहाल देखना होगा विधानसभा उपचुनाव को जीतने की तैयारी में जुटी शिवराज सरकार कर्मचारियों की मांग को कितनी गंभीरता से लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।